अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम एक अपडेट वीडियो करने जा रहे हैं वाटर डैमेज टोयोटा CHR की। मैंने अभी अभी 6:15 बजे वीडियो अपलोड की है कि क्या मुझे इन बिटवीन वीडियोस अपलोड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारी आप लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आप लोग प्लीज़ इन बिटवीन भी फॉलोअप वीडियो बनाते रहें। और यहाँ पे इस अपडेट वीडियो के साथ एक बात भी करता चलूँ कि मैंने आज तक वाटर डैमेज गाड़ी ना कभी मंगवाई है और ना कभी उसको रिपेयर कराया। द ओनली रीज़न मेरी वाटर डैमेज गाड़ियों पर इतनी ज़्यादा वीडियोज़ इसलिए होती हैं क्योंकि आई थिंक इट्स अ डिफरेंट कॉन्टेंट। और दूसरी वजह यह है कि भाई ये मेरा ऑफिस है, ये शोरूम है, ठीक है, ये शोरूम है, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सही है। और उस्ताद अब्दुल गफूर साहब की वर्कशॉप है, ये पहला दरवाज़ा है और आप देखते जाएं, ये है जनाब दूसरा दरवाज़ा। यहाँ से मैं बाहर निकला, वो है उस्ताद अब्दुल गफूर की वर्कशॉप और ये खड़ी टोयोटा CHR। तो जब भी कोई वाटर डैमेज गाड़ी आती है तो इट इज़ जस्ट अ डोर अवे, ये दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे वाटर डैमेज गाड़ी खड़ी होती है। सो डैट इज़ वाई आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस वीडियोज़, क्योंकि द कंटेंट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और ये अब आप देख सकते हैं कि आज इस गाड़ी की अंदर की सारी सीटें खुल चुकी हैं। ये मैं दिन में ज़रूर बनाता मगर फॉलो अप वीडियो का जो पोल था, जो कमेंट सेक्शन था, वो आप लोगों ने भर दिया कि भाई जान इन बिटवीन वीडियोज़ भी बनाओ। तो अभी आपको दिखाते हैं कि ये सारी सीटें खोल ली गई हैं, ठीक है। और इसके साथ आज पिछली लाइटें भी उतार ली गई हैं, सही है। आज मैं आपको बताता चलूं है, आई गेस लेट मी हैव अ लुक एट द डेट, आज तारीख है जनाब, ऑल राइट, तो आज है जी 16th of September, सही है। और इसकी पिछली लाइटें जो हैं वो उतार ली गई हैं, यहाँ से भी, सही है। यहाँ पे जो स्पॉइलर वगैरह लगा था वो सब उतार लिया गया है और ये गाड़ी के अंदर की जितनी भी सीट्स वगैरह हैं वो सारी उतार ली गई हैं, इवन सीट्स भी उतार ली गई हैं और यहाँ की पोशिश भी उतार ली गई है। अच्छा, उसके साथ आई एम रियली सॉरी लाइट कम है क्योंकि रात का अंधेरा हो रहा है, बट दिस इज़ हाउ द कार नाउ लुक्स फ्रॉम द इनसाइड। ऑल द सीट्स आर गॉन, यहाँ पे बैटरियाँ वगैरह पड़ी होती थी वो सारी उतर गई हैं, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट राइट नाउ, एयर बैग्स वगैरह सारे उतार लिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे एयर बैग्स के जो पिलर में जो होते हैं एयर बैग्स वो इसके अंदर मौजूद हैं, मगर पिलर जो है वो सारे यहाँ से भी जहाँ पे सीट बेल्ट्स लगी होती हैं वो सारे उतार लिए गए हैं, ठीक है। उसके साथ ये मिट्टी वगैरह जो है वो इसकी मौजूद है, मैट्स जो थे वो दोपहर तक इसके अंदर मौजूद थे, फ़िलहाल वो मैट्स भी निकाल लिए गए हैं ताकि उनकी सफाई हो जाए, ये दो मैट्स जो हैं रिमेनिंग हैं। अब्दुल गफूर साहब भी यहीं पे मौजूद होंगे, आए उनसे चल के पूछते हैं कि भाईजान क्या सीन है। अच्छा, गाड़ी बंद कर दें, एक मिनट, गाड़ी खोल दी, ये भी बंद कर देते हैं, बिस्मिल्लाह, ऑल राइट, तो ये बंद कर दी हमने, सही है। आप लोगों को याद दिला चलें, आप लोगों को बताया था कि इंजन वगैरह का काम जो है वो सारा ऑलमोस्ट डन है, सही है। तो ये इंजन आप देख सकते हैं साफ वगैरह हो चुका है। आए उस्ताद साहब के पास चलते हैं, उस्ताद साहब इस रेस्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम जी, उस्ताद जी क्या हाल है? उस्ताद जी आज एक वीडियो लगाई अभी अभी, तो आवाम कहती है कि हमें पल पल की खबर चाहिए, पल पल की खबर ले लें। अच्छा जनाब, यहाँ से हमारे पास जी उठ के गियर बॉक्स वाला एरिया आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ये जो पूरा डैशबोर्ड है जहाँ पे AC वगैरह लगा होता है वो सारा जो है वो आ गया है, ठीक है। ये डैशबोर्ड वो ही है जो उसके अंदर लगा हुआ था, अभी उतर के यहाँ पे आ चुका है सारा का सारा, ऑलराइट। उसके साथ ये पिछली लाइट्स हैं जो अभी खुल चुकी हैं मगर अभी ये अनअसेंबल नहीं हुई, अब ये फुली असेंबल्ड ही हैं, ये अभी अपनी ओरिजिनल हालत में हैं। ये वो सीट्स हैं जो बाहर आ चुकी हैं और ऑब्वियसली जब ये सीट्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, साफ सफाई इनकी हो जाएगी, फिर आएंगी। यहाँ पर हमारे पास पिछली सीट्स मौजूद हैं, ठीक है, ये वो है जिसके अंदर जैक रॉड पाना पड़ा होता है। वो रही दरवाज़े की पोशिश, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, ये पिछले दरवाजे की पोशिश है, एक पोशिश है, ठीक है, और ये इसका पिछला हिस्सा है। आप लोगों को अगले दरवाजे की पोशिश भी दिखाते हैं, ये गालिबन अगले दरवाजे की पोशिश पड़ी हुई है, ये जो डिग्गी में लगता है वो पड़ा हुआ है, ये सारे चारों दरवाजों की पोशिशें यहाँ पे मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, चार चार पोशिशें होती हैं, पांच नहीं होती, ये डिग्गी में लगा होता है।
उस्ताद जी कह रहे हैं कि उनको बहुत फेम मिल चुका है, इससे ज़्यादा फेम वो मज़ीद नहीं चाहते, तो आज वो इतनी लिफ्ट नहीं करा रहे। वो कह रहे हैं भाईजान चीज़ें परी हुई हैं, जो करना है शूट कर लो। उस्ताद जी मगरूर हो गए हैं एक दिन में, इतने मगरूर उस्ताद जी, सुबह काम करके थक गए हो, गड्डी खाली कहती है ऐ की शायब है पाइन हीटर कूलर, ये अंदर होता है एसी वाला, ये डैशबोर्ड के नीचे लगा होता है, ये डैशबोर्ड के नीचे लगा होता है, और ये पूरा कारपेट निकाल लिया आपने बाहर। सर इसका कुछ बचेगा कि नए लगाएंगे? बस मिट्टी है, नथिंग एल्स राइट। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कारपेट जिसका बाहर निकाला हुआ है, एक एक चीज़ जो है ये सफाई। भाई जान ये सफाई कब तक हो जाएगी ये बताएं? परसों तक हो जाएगी, फिर पीर या मंगल को इसका फॉलोअप रखेंगे। आवाम की जो नज़रें हैं ना वो आपके ऊपर हैं। हाँ वो कह रही है कि उस्ताद जी ये गाड़ी तैयार करें और फौरन से पहले हमें दिखाएं, बीच में जो है ना वो आवाम से इंतज़ार नहीं होता। ये सब कुछ मैं शूट कर चुका हूँ, खैर से सब कुछ बेहतरीन है जी, ये सब कुछ मैं शूट कर चुका हूँ सब कुछ। क्या खोल के दोबारा फिट किया? बकौल आपके वायरिंग आपने कोई इसमें फिट कर दी है फिलहाल। चलें चलें आप देखें सर, हम आपकी बात समझेंगे इंशाल्लाह, दिन की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। और व्हाट एल्स डू वी हैव ओवर हियर जो आपको दिखा सकें? वो स्टेपनी बाहर निकली हुई है इसकी, इसके साथ ये सारे वो कवर हैं, पोशिशें हैं जो अंदर लगी होती हैं, वो उतार के यहाँ पे लाए जा रहे हैं, एक एक पोशिश है। ये स्पीकरों के फटे हैं, स्पीकरों के कवर हैं, ये भी इसको साफ़ करना एक चैलेंज होगा मेरे ख्याल तक। ये किस तरह खुलेगा, किस तरह बंद होगा, हम ये स्पीकर भी देखेंगे, ये जो स्पीकर के कवर हैं कि ये किस तरह परे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसके सुराखों के अंदर तक मिट्टी गई हुई है। बहरहाल ये हम इसकी साथ साथ अब वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारे प्यारी ऑडियंस ने हमें कह दिया है कि हमने बनानी है इंशाल्लाह। सो वेल या दैट इज़ अबाउट इट। अभी मैं जाने लगा हूँ अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है, और आप लोगों को बताने लगा हूँ कि भाईजान ये जो है टोयोटा CHR है, बाय द वे वो ऑफिस का दरवाज़ा है और ये मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह दो कदमों पे मस्जिद है, ठीक है। खैर एनी हाउ, तो ये रही टोयोटा CHR और ये ऐसे करके ये रहा दरवाज़ा और ये रहा आपके भाई का ऑफिस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक बेहतर वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।